ये एशिया है, दुनिया का अजीम तरीन बरआज़म। इसकी गोद यानी वस्ते एशिया तारीख के सफ़ात पर बिखरी हुई अनगिनत दास्तानें अजबर किए हुए अपने वसीउ अरीज रकबे पर नमूदार होने वाली हज़ारों हुकूमतों के तगीरातो हवादिस की ऐनी शाहिद है। मगर इस आबादो शादाब खित्ते पर एक दौर ऐसा भी आया है जिसको याद करके आज भी इस सरजमीन जन्नत नज़ीर पर लर्जा तारी हो जाता है। वो एक तारीख दौर था जो 7वीं सदी हिजरी के दूसरे अशरे से शुरू हुआ और बिलाखर सकूते बगदाद पर इख्तिताम पजीर हुआ। वस्ते एशिया अपनी जरखेज चरागाहों, आबादी से मामूर गुंजान शहरों और तजारती गुजरगाहों की बदौलत ज़माने कदीम से दुनिया भर में मशहूर व मारूफ है। इसमें दो बड़े दरिया हैं, एक दरिया सिहून जिसे सैरे दरिया भी कहा जाता है और दूसरा दरिया झूं जो आज दरिया आमू के नाम से पहचाना जाता है। इन दोनों दरियाओं का दरमियानी हिस्सा जो अपनी सरसब्जियों शादाबी में लासानी होने के साथ साथ मर्दम खेजी में भी हमेशा से नुमाया रहा है, यहाँ समरकंद का मशहूर शहर वाक़ है। यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का शहर बुखारा आबाद है। दरिया झूं के अफगानिस्तान से मिलने वाले किनारे को देखें तो सामने सनन अल तरमजी के मौकिफ इमाम अबू ईसा तरमजी रहमतुल्लाह अलैह का शहर तरमिज दिखाई देगा। इस मुख्तसर सी सैर के बाद आइए अपने असल मकसद की तरफ चलें। दरिया झूं के किनारे किनारे शुमाल की तरफ बढ़ते जाएं तो मौजूदा जमहूरिया उज़्बेकिस्तान की शुमाल मगरबी सरहद पर औरगंज नामी शहर नज़र आएगा। यहीं औरगंज कई सदियों कबल ख्वारज़म नामी एक रियासत का पाया तख्त था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर अली और आप देख रहे हैं एच के दुनिया। मंगोलों से लड़ने वाली ख्वारज़म सल्तनत कैसे वजूद में आई, आज हम आपको यही दास्तान बताएंगे। ख्वारज़म का इलाका उस वक़्त से एक अलीहदा रियासत शुमार होता आया है जब शाह फारस बहराम गोर के एक रिश्तेदार ने इस पर कब्ज़ा जमा लिया था। ज़माने कदीम ही से ख्वारज़म के हर हुक्मरान को ख्वारज़म शाह कहा जाता था। तारीखी रवायात के मुताबिक कैसरो वो पहला बादशाह था जिसने सिकंदर आज़म के हमले से 980 बरस कबल इस रियासत के हाकिम को ख्वारज़म शाह का लकब दिया था। इस रवायत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ख्वारज़म का तमदन किस कदर कदीम था। दिलचस्प बात यह है कि ख्वारज़म शाह के लकब का रिवाज इस इलाके के इस्लामी दौर में भी यहाँ के आखिरी ताजदार सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के ज़माने तक बाकी रहा। गालबन तारीख़ इस्लाम में ये वाहिद मिसाल है कि इस्लाम से पहले दौर का लकब इस्लामी अहद के हुक्मरानों में भी इसी तरह राइज रहा हो। ख्वारज़म पर मुसलमानों की फ़ौज कशी सबसे पहले खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक अमवी के ज़माने खिलाफत में हुई। 712 ईस्वी में खलीफा के हुक्म से फातह तुर्किस्तान कतीबा बिन मुस्लिम बाहली रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ का रुख किया। उस वक़्त का ख्वारज़म शाह बराए नाम हुक्मरान था। इसका भाई खिजाद रियासत के स्याहो सफ़ेद का मालिक था। ख्वारज़म शाह इस सूरत हाल से नहायत परेशान था। कतीबा बिन मुस्लिम की आमद को इसने अपने लिए नेक फाल समझा और इनसे इस शर्त पर मुसालत कर ली कि वो इसे खिजाद की ज्यादतियों से निजात दिलाएं। कतीबा बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और यूं सरजमीन ख्वारज़म बग़ैर किसी खून बहाए इस्लामी परचम के साए तले आ गई। यहाँ के बाशिंदों ने जोक दर जोक इस्लाम कबूल किया और बहुत जल्द ये पूरा खित्ता इस्लाम के नूर से जगमगाने लगा। ज़माने कदीम में रियासत ख्वारज़म के दो दारुल हुकूमत थे, एक दरिया झूं के मशरकी किनारे पर था जिसे कास कहा जाता था
और दूसरा मगरबी किनारे पर था जिसे जरजानिया, गुरगांज या औरगंज कहते थे। कतीबा बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के हाथों ख्वारज्म की फतह के बाद कास का नाम अल मंसूरिया पड़ गया और इसकी रौनक और आबादी में गैर मामूली इजाफा हुआ। लेकिन एक अरसे बाद दरिया ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया जिससे अल मंसूरिया यानी कास गर्क हो गया। अल मंसूरिया की बर्बादी के बाद वहाँ के बाशिंदों ने दरिया के मगरबी किनारे पर आबाद औरगंज जरजानिया में सुकूनत इख्तियार कर ली। यूं औरगंज की आबादी में यकदम ज़बरदस्त इजाफा हो गया। रियासत के सरकारी दफातर और इंतजामी मरकज भी यहीं मुंतकिल हो गए। तुर्किस्तान के तजारती काफलों की राह में होने के बायस औरगंज इस खित्ते की मरकजी तजारत मंडी भी बन गया। रफ्ता रफ्ता जरजानिया और गरगांज के लफ्ज़ लोगों की ज़बानों से उतर गए और अक्सर मकामी बाशिंदों ने इस शहर ही को रियासत के नाम से मौसूम करके ख्वारज़्म कहना शुरू कर दिया। ताहम बहुत से लोग फिर भी इसे औरगंज के साबका नाम से याद करते रहे। इस्लामी मकबूजात में शामिल होने के बाद ख्वारज़्म को तारीख में बड़ी पज़ीराई नसीब हुई। इस्लाम के कितने ही नामवर फ़िका, मुहद्दिसीन, दानिशवर और बादशाह यहाँ की खाक से उठे और दुनिया में आफ्ताब व महताब बनकर चमके। ये इलाका इल्म व हिकमत, तहजीब व तमदन और सनत व उरफत का मरकज़ बन गया। ज़माने की गर्दिश के साथ साथ तख्ते ख्वारज़्म पर यके बाद दीगर मुख्तलिफ हुक्मरान बरजमान होते रहे, मगर ये सब खिलाफत इस्लामिया के मातहत एक सूबेदार की सी हैसियत रखते थे। ताहम एक अरसे के बाद जब अब्बासी खुलफा की शौकत को गहन लगा तो यहाँ के हुक्मरान खिलाफत की कफश बरदारी से आज़ाद हो गए। इन खुद मुख्तार हुक्मरानों का पहला दौर 951 ईस्वी में अबू साद अहमद ख्वारज़्म शाह से लेकर 1017 ईस्वी में अबू अल हारिस ख्वारज़्म शाह तक रहा। दूसरा दौर 1017 ईस्वी में अलतून ताश ख्वारज़्म शाह से शुरू होकर 1037 ईस्वी में माह मुल्क ख्वारज़्म शाह पर ख़त्म हुआ। इसके बाद तीसरे दौर में इस खित्ते की ज़माम इक़्तदार इस ख़ानदान के हाथ में आई जिसकी इब्तदा अनोशतगीन ख्वारज़्म शाह से और इंतहा सुल्तान जलालुद्दीन मनकबरती ख्वारज़्म शाह पर हुई है। जब मलिक शाह सलजोकी ने गर्जिस्तान से एगोरी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला एक तुर्कल नस्ल ग़ुलाम ख़रीदा तो कौन कह सकता था कि ये कम हैसियत ग़ुलाम कल ख्वारज़्म शाह कहलाएगा और एक सदी बाद इसी ग़ुलाम की नस्ल से पैदा होने वाले फातहीन सलजोकी ख़ानदान पर ज़मीन तंग कर देंगे। इस ग़ुलाम का नाम अनोशतगीन था। जल्द ही वो सुल्तान मलिक शाह के दिल में घर कर गया। नौबत यहाँ तक पहुँची कि सुल्तान ने इसे 1000 चेदा चेदा सिपाहियों का अफसर मुकर्रर कर दिया। अनोशतगीन ने इस मैदान में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इन दिनों ख्वारज़्म का सूबा बराह रास्त मलिक शाह के ताबे था। वहाँ का सूबेदार फौत हुआ तो मलिक शाह की मर्दमशनास निगाहों में अनोशतगीन के सिवा इस अहद के लिए कोई मौजू मालूम ना हुआ। 1082 ईस्वी में मलिक शाह के हुक्म से अनोशतगीन ख्वारज़्म शाह की सूबेदारी पर मामूर हुआ और आखिरी दम तक इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाता रहा। अनोशतगीन की ज़िंदगी में भी इसका बेटा मोहम्मद उर्फ कुतुबुद्दीन बाप की नियाबत में ख्वारज़्म का नज़्म व नस्क संभाले हुए था। अपने बाप की वफात के बाद इसने बड़ी खुश असलूबी से 30 बरस तक रियासत का निज़ाम चलाया और अपने नए आकाए नेमत सुल्तान वक़्त शाह अहमद संजर बिन मलिक शाह सलजोकी का दिलो जान से ताबेदार रहा। 1128 ईस्वी में मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने दाई अजल को लब्बैक कहते हुए ख्वारज़्म शाही तख्त व ताज अपने बेटे मुजफ्फरदीन अज़ीज़ के हवाले किया। इस 32 साला नौजवान ने बरसर इक्तदार आते ही सलजोकी सल्तनत का तौके अताद गुजारी गर्दन से निकाल देने और मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल करने का आज़म कर लिया, मगर सुल्तान अहमद संजर सलजोकी की तलवार की धार ऐसी ना थी जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता। इसलिए अज़ीज़ मौके की तलाश में रहा और जल्द ही कुदरत ने इसके लिए एक गैर मुतवक्का मौका फराहम कर दिया। सुल्तान संजर सलजोकी मावरन नहर के बागी हाकिम तगाज खान की सरकूबी के लिए बुखारा में अफवाज मरतब कर रहा था। इस लश्कर कशी में अज़ीज़ भी सुल्तान संजर के हमरा था। एक दिन सुल्तान अपने खेमे में तनहा लेटा हुआ था कि सुल्तान के चंद नमक हराम अफसरान
तलवारों के साथ इसके खैमे में दाखिल हो गए। आहट पाकर सुल्तान ने निगाहें उठाईं तो खुद को चमकती हुई शमशीरों और खून आशाम खंजरों से घिरा हुआ पाया। सुल्तान का बच निकलना बहुत मुश्किल था। इसका मुहाफिज दस्ता साथ मौजूद ना था, मगर इससे पहले के गद्दारों की तलवारें सुल्तान के लहू में गोता खाती। अचानक घोड़ों की टापों से फिजा गूंज उठी। अगले ही लम्हे अज़ीज़ तलवार लहराते हुए खेमे की तरफ लपता हुआ दिखाई दिया और ये देखते ही गद्दारों का गुरु सुल्तान को वहीं छोड़कर फरार हो गया। सुल्तान अहमद संजर अज़ीज़ के इस एहसान का ताउम्र ममनू रहा और इस वाक़े के बाद अज़ीज़ की जानब से पेश आने वाली हर नाखुशगवार हरकत को बर्दाश्त करता रहा। चुनाचा कुछ अरसे बाद जब अज़ीज़ ने ख्वाज़मशाही रियासत की खुद मुख्तारी का ऐलान किया तो इसके सबका एहसान ने सुल्तान संजर सलजोकी की शमशीर आबदार को किसी हितमी कार्रवाई से बाज रखा। 31 बरस की हुक्मरानी के बाद 1156 ईस्वी में मुजफ्फरदीन अज़ीज़ ख्वारज़मशाह दुनिया से रुख्सत हुआ और इसका बेटा अबू अल फातेह एल अरसलान इसका जानशीन हुआ। एल अरसलान के 7 साल दौरे हुकूमत में सल्तनत ख्वारज़म में कोई नुमाया तौसी नहीं हुई और इसका सारा ज़माना इक़्तदार सरदी शोरशों को ख़त्म करने और आसपास के रियासतों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश में गुजरा, लेकिन इसमें भी इसे कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना हुई। 1163 ईस्वी में एल अरसलान इंतकाल कर गया। एल अरसलान की वफात के साथ ही इसके दोनों बेटों सुल्तान शाह और अलाउद्दीन तख्त के माबीन इक़्तदार की खून रेज जंगें शुरू हुईं जो वक्फे वक्फे से कई साल तक जारी रहा करती थी। इन जंगों का अख्ताम सुल्तान शाह की तिब्बी मौत और अलाउद्दीन तख्त की फतायाबी पर अख्ताम पजीर हुआ। खाना जंगी के इस दौर में दारुल हकूमत औरगंज पर मुस्तकिल कब्जा तख्त ही का रहा था, अगरचा एक मुख्तसर अरसे के लिए सुल्तान शाह को भी यहाँ तसल्लुत हासिल हो गया, मगर ये तसल्लुत आर्जी था। याद रहे कि ख्वारज़म रियासत का नाम था औरगंज पाए तख्त, मगर उस दौर के अवामो खास और मौरखीन की एक बहुत बड़ी तादाद सिर्फ औरगंज शहर को भी ख्वारज़म के नाम से याद करती रही। सुल्तान शाह की मौत तक अलाउद्दीन तख्त को चैन से बैठना नसीब ना हो सका। अलाउद्दीन तख्त ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर अपने नाम के साथ सुल्तान का लकब इस्तेमाल किया। अब जबकि वो अपने आबाओ अजदाद की वसी व अरीज सरजमीन का फरमा रवा बन चुका था, इसकी तमाम तर तवज्जो बैरूनी फतूहात की तरफ मबजूल हो गई। ख्वारज़म का इंतज़ाम संभालते ही सुल्तान अलाउद्दीन तख्त ने रियासती हदूद के इजाफे पर तवज्जो दी। ख्वारज़म शाही इकतदार के अरूज के साथ ही सलजोकी सल्तनत सिमट कर मुख्तलिफ टुकड़ों में बिखर चुकी थी और रोज़ बरोज़ जवाल पजीर थी। इराक़ में तुगरल सानी सलजोक इकतदार का आखिरी नुमाइंदा था। तख्त ने चंद ज़ोरदार हमलों के बाद इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। रे और हमदान जैसे अहम शहर भी इसके मकबूजात में दाखिल हो गए और ख्वारज़मी रियासत की हदूद बगदाद की सरहदों को छूने लगी। ये सूरतहाल खलीफा नासिर के लिए नाकाबले बर्दाश्त थी। इसने ख्वारज़म शाह से मुतालबा किया कि इराक के बाज़ इलाके खिलाफत बगदाद की तहवील में दे दिए जाएँ। तख्त ने इसे नामंजूर किया। दोनों ममलकतों के बाहमी ताल्लुकात रोज़ बरोज़ कशीदा होते गए। 1196 ईस्वी में हमदान के मकाम पर ख्वारज़मी और खिलाफती अफवाज की माबीन घुमासान का मार्का हुआ, जिसमें बगदाद की अफवाज बदतरीन शिकस्त से दो चार होकर पसपा हो गईं। इससे पहले भी तख्त और खलीफा बगदाद की फ़ौजों में दोबारा मामूली झड़पें हो चुकी थीं, लेकिन इस बार खिलाफती अफवाज को ऐसी जक पहुँची कि उन्होंने फिर कभी ख्वारज़मी सरहद पर हमले की हिम्मत ना की। खलीफा नासिर का मिजाज दुरुस्त करने के बाद तख्त ने तरकाने खता की सरकूबी का इरादा किया। तरकाने खता कारा खताइयों को कहा जाता था। बिलाशुबा ये एक दुशवार तर जंगी मुहिम थी, मगर तख्त में हौसले की कमी ना थी। चूँकि ख्वारज़मी व गौरी हुक्मरानों के ताल्लुकात अब तक कशीदा रहे थे और तरकाने खता जैसे मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले में कामयाबी के लिए दोनों दरबारों का इत्तेहाद ज़रूरी था, सो तख्त ने इस ज़रूरत का लिहाज करते हुए गयासुद्दीन गौरी के साथ मुसालत कर ली। गयासुद्दीन गौरी के मशवरे से तख्त ने खलीफा बगदाद से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश भी शुरू की।
खिलाफते बगदाद से भी इसका मुस्बत जवाब आया। हर तरफ से मुतमईन होकर तक्ष पूरी कुव्वत से तरकाने खता के मुकाबले की तैयारी करने लगा। तरकाने खता इसके लिए पहले ही मुस्तादिद थे। उन्होंने अज खुद जलगार करके औरगंज का मुआसरा कर लिया। तक्ष की अफवाज ने फसील बंद होकर इस दलेरी से मुकाबला किया कि तरकाने खता की बड़ी तादाद मारी गई और बाकी मानदा ने पसपाई अख्तियार की। अभी तुर्काने खता की मुकम्मल सरकूबी नहीं हुई थी कि तक्ष को एक और मुहिम का सामना करना पड़ा। ख्वाज़मी रियासत मौजूदा जमहूरिया ईरान के अक्सर इलाके पर मोहित हो चुकी थी। शुमाल मगरब में इसका आखिरी अहम शहर कुज़वीन था। कुज़वीन से दुशवार गुजार सिलसिले को में एक नाकाबले तस्खीर फलक बोस पहाड़ पर हसन अल सबा के पैरोकारों का मरकज किला अल मौत वाक़ था। हसन सबा का ताल्लुक इस्माइली फिरके से था। ये वो फिरका है जिसके पैरोकार 6वीं सदी हिजरी के वस्त तक मिस्र पर काबिज रहे, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इनका तख्ता उल्टा। इसने बड़ी हद तक इस्माइली अकायदो आमाल में तरामीम और तगीरात करके मजहब को एक नए रंग में पेश किया। इसके दाई पूरे ईरान और तुर्किस्तान में फैल गए। किला अल मौत इनकी सरगर्मियों के लिए नहायत महफूज इलाका था। किले के आसपास के कोहिस्तानी सिलसिले में इन्हीं लोगों का राज था। हसन अल सबा ने किला अल मौत के इर्द गिर्द फैले हुए सरसब्जो शादात के हिसार में कई मील पर फैली हुई एक मसनूई जन्नत तामीर करवाई थी। हसन अल सबा के कुछ मखसूस लोग थे जो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। ये लोग फिदाइन या फिदाई कहलाते थे। इन्हें खंजर जनी की खास मश्क करा के दुनिया के अहम सियासी व अस्करी मराकज़ में बतौर जासूस मुकर्रर कर दिया जाता। हसन का इशारा मिलते ही बड़े बड़े जर्नेल, उमरा और सलातीन फिदाई खंजर की पीठ चढ़ जाते। हसन अल सबा की इन सरगर्मियों का नतीजा ये निकला कि तमाम दुनिया के दरबारों पर इसकी हैबत छा गई और इसका हर मुतालबा तस्लीम किया जाने लगा। दोस्तों, अगर आप हसन अल सबा की इस तहरीक के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए कार्ड पर क्लिक करें। 1124 ईस्वी में हसन अल सबा मर गया, लेकिन इसके फिदाई हमलावरों ने इसका मिशन जारी रखा। सुल्तान तक्ष ने इस फितने को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया और एक लश्कर जरार लेकर अल मौत का रुख किया, मगर तवील मुआसरे के बाद भी किला अल मौत नाकाबले तस्खीर रहा। ताहम तक्ष ने इनका एक और किला बजोर शमशीर फतह कर लिया। कुछ अरसे बाद फिदाइयों ने तरशेज में अपना एक नया मरकज़ बना लिया और यहाँ फिर से अपनी सरगर्मियाँ जारी रखीं। इन्हीं दिनों एक फिदाई ने तक्ष के वज़ीर को शहीद कर दिया। तो सुल्तान अलाउद्दीन तक्ष ने शहज़ादा कुतुबुद्दीन मोहम्मद को ताज़ा अफवाज देकर तरशेज पर हमले का हुक्म दिया। शहज़ादा कुतुबुद्दीन ने तरशेज का मुआसरा कर लिया। फिरकईन में शदीद खून रेज जंग जारी रही। 4 माह गुजर गए लेकिन जंग का कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार सुल्तान तक्ष ने शदीद बीमारी के आलम में बिस्तर से उठकर खुद फैसला कुन हमले के लिए तरशेज का रुख किया। तबीबों और हकीमों ने इस तवील सफ़र से मना किया, मगर सुल्तान ना रुका। रास्ते ही में मर्ज इस कदर बढ़ गया कि बचने की उम्मीद ना रही। बिलआखिर तरशेज पहुँचने से कबल 19 रमज़ानुल मुबारक 3 जुलाई 1200 ईस्वी को 26 साल तक ख्वारज़म पर हुकूमत करने वाला ये अजीम अल मरतब बादशाह दुनिया से रुखसत हो गया। सुल्तान अलाउद्दीन तक्ष का छोटा भाई सुल्तान शाह 20 साल तक इससे बेसुध उलझता रहा, मगर आखिर तक कुछ हासिल न कर सका। अगर सुल्तान इस बेफायदा खाना जंगी में मुबतला ना होता तो उम्मते मुस्लिमा एक अजीम जानी व माली खसारे से महफूज रहती। लेकिन जाहिर है जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा था उसको भी ख़त्म करना ज़रूरी था। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन तक्ष के बारे में एक किस्सा मशहूर है। एक बार सुल्तान अलाउद्दीन तक्ष एक शहर का मुआसरा किए हुए था। अहले शहर ने अपने गुस्से की भड़ास निकालने के लिए एक काने कुत्ते को कुर्ता और टोपी पहनाकर इसका नाम ख्वाज़म सा रख दिया, क्योंकि सुल्तान तक्ष भी एक चश्म था। बादशाह इस कुत्ते को मजनीक में रख कर शहर से बाहर ख्वारज़्मी फौज के पड़ाव की तरफ फेंक दिया और वसील से सदा बुलंद हुई कि लो ये तुम्हारा बादशाह है।
तक्ष ने एक तवील मुआसरे के बाद जब शहर फतह किया तो दीगर अहले शहर के साथ इस शरारत के मनसूबा साजों को भी माफ़ कर दिया। अब ये वाकया कितना सच्चा है कितना झूठा, ये आप कमेंट में बता दें। दोस्तों, ख्वारज्मी सल्तनत की दास्तान सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, बल्कि अभी तो सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज्म शाह, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज्म शाह और मंगोलों में होने वाली झड़पों की दास्तान तो बाकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया और खुदा हाफिज़।